ए बेटा इतना मेरी बात सुन। हाँ जी पापा बोलो। पंखा लगाने में मेरी हेल्प कर दे थोड़ी सी। आ रहा हूँ। ये पापा भी तंग करते रहते हैं। इधर आ जाओ जी, मैं ऊपर चढ़ता हूं, तू टेबल पकड़ी हो, ठीक है? हाँ बेटा वो कुछ पकड़ा मैंने, फैन पकड़ रखा है वो ला उसी ऊपर लगाने के लिए। हाँ दे जल्दी दे। क्या दूं इनको, क्या दूं इनको, भी ढूंढ के देना पड़ेगा कुछ। ये दे देता हूं, ये लगा लेंगे। ये लो पापा। ये भी है, ये लगाऊं मैं? अबे फैन पे लगाने के लिए कोई मोटी चीज दे, ये तो ऐसे ही टूट जाएगा, ये तो ऐसे ही टूट गया, ये थोड़ा लगेगा, कोई और चीज दे। गधे का पुत्र ना दो। अब उसमें पता नहीं क्या खराबी थी, छोटी है पतली है, ये मोटी ले जाता हूं, ये ठीक रहेगी। ये लो पापा। हाँ ला ला लेके क्या है? अरे मोटी चीज तो है ये, लेकिन है तो ये लकड़ी, ठीक है ये सहन नहीं कर पाएगी भार, लकड़ी है ले मोटी है लेकिन है तो लकड़ी, ये भार नहीं सहन कर पाएगी, कोई भार सहन करने वाली चीज ले क्या, जा जाके ले क्या जल्दी। अब लोहे की चीज, लोहे की कहां से ढूंढूं? ये देता हूं। ये लो पापा। लोहे की ले क्या, लोहे की ला दे क्या है? अब अरे बेटा ये लोहे की चीज है लेकिन फिर भी वही बात कर रहा तू, ये पतली चीज है, इसकी मोटाई नहीं है, क्या क्या समझ रहा है तू, समझ नहीं रहा मेरी बात। हमें क्या चाहिए कि स्ट्रेंथ हो उसकी, वो भार सहन कर सके और एरिया भी ज्यादा हो उसका, मतलब इसकी मोटाई हो, ऐसी चीज है। हाँ जल्दी ला जा। अब वो भी ठीक नहीं है, ये ठीक रहेगी? ये दे दूं? लाभ दे क्या? हाँ ये ठीक है, ये लग जाएगा, ये भार सहन कर सकेगा, समझ रहे हैं? ठीक है ये भार सहन कर सकता है क्योंकि ये भार ज्यादा है, तो समझ, इन चीजों को समझना जरूरी होता है बेटा, इसी से तो स्ट्रेस स्ट्रेन पता लगता है। क्या तुझे अब स्ट्रेस भी नहीं पता? इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, स्ट्रेस नहीं पता तुझे? अकेले फॉर्मूले नहीं होते कि फोर्स अपॉन एरिया लगा दिया और फॉर्मूला हो गया, हमें जिंदगी में हमें समझना पड़ता है स्ट्रेस होता क्या है, आज तुझे बताता हूं। तो देखा दोस्तों, स्ट्रेस हम समझ सकते हैं क्योंकि आम जिंदगी में भी हमारी इसकी एप्लीकेशन है। अब मेरे बेटे ने सबसे पहले ये वाली चीज पकड़ा दी। अब ना तो ये लोड सहन करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये पर एमएम स्क्वायर की बात करें, 1 mm² अगर इसका एरिया ले, ये वाला मोटाई इसकी, तो ये लोड सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है 1 mm² का बहुत कम लोड सहन कर सकता है, आराम से मैं इसको पकड़ता हूं तो ये आराम से टूट रहा है, मेरी फिंगर के फोर्स से ही टूट रहा है। तो उसने उठा के एरिया ज्यादा वाला दे दिया, उसने उठा के ये दे दिया कि एरिया ज्यादा है जी इसका। ठीक है एरिया ज्यादा है, मैं मान रहा हूं इससे ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये 1 mm² ही बहुत कम सहन कर रहा है। अगर एरिया ज्यादा मोटाई जड़ा बढ़ा भी देंगे तो वो कितना मोटाई ज्यादा देनी पड़ेगी उसको, ये समझो आप। अगर फैन, हमें फैन का वेट पता है, ठीक है, और वो ये 1 mm² अगर मान लो 1 न्यूटन सहन कर रहा है तो 10 mm² कितना करेगा, 10 न्यूटन सिर्फ। ठीक है तो हमें एरिया अकेले से नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा वो मटेरियल सहन कर सकता है फोर्स को या नहीं, तो अकेली एक चीज नहीं होती ना। तो उसके बाद इसने ये उठा के दे दिया, ये ज्यादा फोर्स सहन कर सकता है 1 mm² का। तो ये मैं देखो इन इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसके मटेरियल में फर्क है। वुड जो है ये देखो सेम एरिया अगर ले भी नहीं, लेकिन वुड लोड सहन नहीं कर पा रहा पर यूनिट एरिया, लेकिन ये ज्यादा सहन कर रहा है। लेकिन फिर से वही बात आ गई, अगर ये लगा देंगे, ठीक है, अगर ये 1 mm² जो है वो 10 न्यूटन सहन कर रहा है, ठीक है, मैं इसके एक ये 1 mm² है, 10 न्यूटन सहन कर रहा है, मैं ये लगा देता हूं तो भी ये दिक्कत देगा क्योंकि जो फैन है उसका वेट ज्यादा है। ठीक है तो इसलिए क्या करेंगे, इसी मटेरियल का लेंगे लेकिन इसका एरिया बढ़ा देंगे, तो एरिया बढ़ गया, अब ये लायक है लोड सहन करने के। तो स्ट्रेस मेरे भाई किस तरह से आप देखेंगे, इसमें क्या होगा कि हमें ये देखना है कि लोड कितना बर्दाश्त करना है, उसी अकॉर्डिंग एरिया भी लेंगे। अब कंपनी में ये नहीं कह सकते ना कि यार देख लो मोटाई रख लो जितनी रखनी है,
अब उन्होंने बनानी है फैन के लिए हुक, इस तरह का हुक बनाना है तो उन्हें एग्जैक्ट एमएम स्क्वायर एरिया देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक तो बनाने नहीं है, लाखों बनाने हैं। तो जब लाखों बनने हैं वहां पे छोटा छोटा एमएम स्क्वायर दे, मैं कहूँ छोटा सा 0.2 mm स्क्वायर भी आप बढ़ाते हो, इतना भी बढ़ाते हो और 1,00,000 पीस बन रहे हैं एक दिन में, तो वो सोचो कितना उनका पैसा वेस्ट जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन देंगे। तो हमें फैन क्या चाहिए, फैन का वेट चाहिए। अगर मुझे ये पता हो और मुझे ये पता हो कि मेरा ये वाला लोहे का मटेरियल ये 1 mm स्क्वायर कितना बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है, तो मेरा मैं करता हूं, मैं इस पे टेस्ट करके देखता हूं, तो 1 mm स्क्वायर मान लेते हैं कि 10 N बर्दाश्त कर रहा है और मेरे फैन का वेट जो है वो 200 N है, मान लेते हैं, ऐसी कुछ भी मान लेते हैं 200 N, तो इसके लिए कितना एरिया चाहिए होगा। देखो 10 N के लिए 1 mm स्क्वायर, 100 के लिए क्या होगा 10 mm स्क्वायर की रॉड चलेगी और 200 के लिए क्या होगा 20 mm स्क्वायर का मुझे रॉड चाहिए होगा। तो मेरे पास इसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, लोड, स्ट्रेस, एरिया, तीन चीजें हमारे पास। इसीलिए स्ट्रेस क्या आ जाता है, लोड पर यूनिट एरिया। तो एक यूनिट एरिया के लिए पता कर लो, 1 mm स्क्वायर के लिए पता कर लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जहां जितनी मोटी रोड लगनी है वैसी ही लगेगी। हम ऐसी लाखों बना बना के लगातार देते रहेंगे और हम कहेंगे कि मेरा फैन गिरेगा नहीं, क्योंकि हमने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है, ठीक है। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा, मैंने पूरी अपने तरफ से कोशिश की है। थैंक यू सो मच।